फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सुबह में इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज तो किचन क्लोजअप में हंगामा ही हंगामा हो गया, जैसे कि हंगामा पुलाव बनाया गया। बड़ा मज़े का बनाया है, बहुत टेस्टी है। और राइस देखिए देखने में कितने खूबसूरत है, उतने ही खाने में भी। ये जानने के लिए कि ये रेसिपी किस तरह तैयार की गई है, आपको देखनी पड़ेगी पूरी रेसिपी, पूरी वीडियो एंड तक। हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं और आपके लिए मज़ेदार किस्म का चिकन हंगामा पुलाव तैयार करते हैं। ये देखिए, एक बड़े साइज का मैंने पतीला ले लिया, क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, मुझे बांटना भी है। तो इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर डाल देंगे 3 अदर बड़े साइज की प्याज, ये देखिए मीडियम साइज की प्याज है, ये देखिए। ये डालकर मैंने इसको फ्राई करना है, ये देखिए। जब तक ये फ्राई होती है हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 अदर या 5-6 ml का से। आप इसके अंदर तेज पात डाल दें, ये देखिए बे लीव्स, और डाल दें खड़ा गरम मसाला 1 tablespoon भर के, ये देखिए। ये मैंने बे लीव्स और खड़ा गरम मसाला डाल दिए, 1 tablespoon भर के डाला है। और अब ये प्याज जब तक हमारी ब्राउन होगी और ये गरम मसाला भी हमारा अच्छे से कड़कड़ा जाएगा, खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, देखिए माशाल्लाह से। 2 tablespoon भर के हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये डालने के बाद चलिए, 2 kg चिकन है और 2 kg मैंने राइस किया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर मैंने टमाटर लिए, इसको इस तरह काट लिया, ये ऐड कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ 1 tablespoon भर के जाएगा, जीरा पिसा हुआ 1 tablespoon, और ये स्पाइसेस में जो शामिल है, धनिया पाउडर 2 tablespoon, कुटी लाल मिर्चें 3 tablespoon, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, और 1 teaspoon आपने हल्दी पाउडर डाल देना। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर 1/2 cup दही डाल देंगे, ये। और अब इसको अच्छे से अभी हमने मिक्स करना है, भूनना ही है। जैसे जो अदरक लहसुन है और चिकन है, इसकी सारी स्मेल हमारी चली जाए, ये देखिए। और जब खुशबू आना शुरू हो जाए, जब तक कि हमें इसको अच्छे से भूनना। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन भी हमारी अच्छे से भून चुकी है, सारे स्पाइसेस भी अच्छे से होंगे, बिल्कुल हंगामा फेस खुशबू आ रही है किचन के अंदर। बड़ा मज़ेदार किस्म का पुलाव तैयार हो रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 11 ग्लास पानी ऐड कर देना, ठीक है। 11 ग्लास पानी ऐड कर देना और इसको जब तक पकाना है कि ये हमारा 10 ग्लास पानी ना रह जाए। चावल ज़्यादा होते हैं तो पानी ये नहीं होता कि हम उसके भर भर के पानी डाल दें, ये चीज़ ही होती है, क्योंकि जब चावल ज़्यादा होंगे तो वो पानी कम लेते हैं।
चलें हम अब इसको ढककर उबलने के लिए रख देंगे। चावल हमारे अच्छे से भीग गए, अब इसके अंदर हम ये राइस ऐड करेंगे, पूरे 2 kg राइस हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये राइस ऐड कर लेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह से इतना ही पानी रह गया जितना मैंने आपको बताया था, और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, और यह असली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। माशाल्लाह से बस इतना पानी इसके अंदर रहना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, ये इसका फाइनल टच आ गया। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे हंगामा पुलाव की। ये अब मैं इसको लगा दूंगी दम, ठीक है। अब हम इसे दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम हीट पर, ताकि चावल हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। रहीम, अब हम अपनी लिड हटाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हंगामा पुलाव हमारा कितना मज़ेदार तैयार हो गया। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दिया था, अगर आप चाहें डालना पसंद करते हैं तो डाल दें, बगैर पानी के बस मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया था कहीं कहीं राइस में। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए राइस देखिए कितना खिला खिला माशाल्लाह से बना। ये देखिए बड़ा टेस्टी, बड़ा स्पाइसी, चटपटा सा मज़ेदार किस्म का हमारा हंगामा पुलाव तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हंगामा पुलाव हमारा तैयार है, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका जायका भी है। इसको मैंने सर्व किया सैलेड के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार और फ्रेश सैलेड मैंने बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। चले अब हम ये सारे जो बनाया है हंगामा पुलाव, इसको बॉक्सेस में डालेंगे और फिर हम इसको बाहर बांट कर आएंगे। चले आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह। बॉक्सेस ले लिया, अब मैं इसके अंदर हंगामा पुलाव डालूंगी और इसको तकसीम करूँगी। ये बॉक्सेस हमारे तैयार है तकसीम करने के लिए, चले मेरे भाई जाएंगे, वो इसे तकसीम करके आएंगे।